Hello everyone, now we're going to have the multiple choice question on the basis of plastering. So what is the numerical? Let's see. Inside the walls of two rooms of internal dimension 3 meter by 4 meter and 4 meter by 5 meter are to be plastered using 1:6 cement sand mortar. The height of the room is 3 meter. What is the approximate cost of plastering the walls if the rate quoted by the contractor for the plastering is 1000 rupees per meter square? Consider the total two doors of size 1.2 meter by 2 meter and 4 windows of size 1.5 meter by 1.5 meter are provided and they all are in a different walls. The rate quoted by the contractor is inclusive, that is the labor, material, etc. मतलब हमको क्या दे रखा है, हमारे पास दो रूम है, दोनों रूम के अंदर हमको प्लास्टर करना है. प्लास्टर का जो रेशियो है वो 1:6 है. साथ ही साथ हमको इसके अंदर से जितने भी खिड़की और जितने भी दरवाजे आ रहे हैं उन एरिया को माइनस करना है. तो सबसे पहले हम इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं. जैसे कि आप हमारा एक ये वाला रूम कंसीडर करते हैं. व्हाट इज द साइजेस ऑफ द रूम दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन? 3 मीटर बाय 4 मीटर. सो लेट अस टेक दिस इज अ 3 मीटर. अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा. अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा. अब दोनों रूम एक दूसरे के साथ अटैच है तो एक दूसरा डायमेंशन क्या है? 4 मीटर बाय 5 मीटर. तो अगर ये 4 मीटर है सो दिस विल ऑल्सो बी 4 मीटर, दिस विल बी 5 मीटर एंड दिस विल ऑल्सो बी 5 मीटर. तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से. अब इस स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो ऑलरेडी हमको दे रखी है. द हाइट इज 3 मीटर. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं कि टोटल पेरीमीटर कितना होगा. तो इस रूम का पेरीमीटर कितना होगा? टोटल पेरीमीटर ऑफ रूम 1 प्लस रूम 2. अब मैंने एक साथ क्यों नहीं निकाला, क्योंकि प्लास्टर आपको इस वॉल पे इस साइड से भी करना है और प्लास्टर आपको इस साइड से भी करना है. तो हम दोनों का पेरीमीटर अलग अलग निकालेंगे. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3. दूसरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4. तो यहां से कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 14. तो यहां से ये कितना हो गया? 14 प्लस 18. तो यहां से हमारे पास पेरीमीटर के निकल के आ रहा है 32 मीटर. अब इस 32 मीटर पेरीमीटर आ गया, हमको प्लास्टर कहां तक करना है? ये जमीन से लेके इस पर्टिकुलर हाइट तक. ये आपके पास समझ लीजिए एक कोई सा भी एक रूम है तो आपको प्लास्टर कहां तक करना है? 3 मीटर तक. तो आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा. तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू पेरीमीटर इनटू हाइट. तो पेरीमीटर कितना है? 32 और हाइट कितनी है? 3 मीटर. सो 32 इंटू 3 तो टोटल एरिया आपको जहां पे प्लास्टर करना है दैट विल बी इक्वल्स टू 96 मीटर स्क्वायर. मतलब टोटल दोनों रूम का एरिया प्लास्टर का कितना आ रहा है? 96 मीटर स्क्वायर. अब प्लास्टर वहां वहां पर नहीं होगा जहां जहां पे हमारे पास खिड़की दरवाजे. मीन्स वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई द डिडक्शंस. डिडक्शंस कहाँ कहाँ पे? जहां जहां पे हमारे पास खिड़की और दरवाजे आ रहे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोर्स की. तो डोर्स का साइज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. क्या साइज है डोर का? 1.2 मीटर बाय 2 मीटर. ये डोर का साइज है तो ये कितना हो जाएगा? 2.4 मीटर स्क्वायर. तो कितने दरवाजे टोटल? दो दरवाजे. तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 4.8 मीटर स्क्वायर. तो ये आपको माइनस करना है फ्रॉम दिस टोटल एरिया. ओके, साथ ही साथ विंडोज भी है हमारे पास. विंडोज का क्या साइज है क्वेश्चन में? 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर. तो 15 इंटू 15 दैट इज 2.25. और टोटल कितनी विंडोज है? टोटल 4 विंडोज है. तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2.25 इंटू 4 दैट इज 9 मीटर स्क्वायर. मतलब आपको टोटल कितना एरिया माइनस करना है? टोटल डोर का एरिया माइनस टोटल विंडो का एरिया. सो द टोटल डिडक्शन विल बी इक्वल्स टू 4.8 प्लस 9. तो यहां से कितना आ जाएगा? 13.8 मीटर स्क्वायर. टोटल कितना एरिया माइनस करना है? 13.8 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर नेट एरिया कितना बचेगा हमारे पास? टोटल एरिया कितना था? 96 माइनस 13.8 मीटर स्क्वायर. तो 96 में से 13.8 माइनस कर देंगे तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 82.2 मीटर स्क्वायर. मतलब नेट एरिया कितना है आपके पास? 82.2 मीटर स्क्वायर.
ओके अब व्हाट इज द कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 meter स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज 1000, देयरफॉर 82.2 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी, 82.2 into 1000, तो ये कितना आएगा 82,200 रुपीज। तो यहां से हमको पता चला कि अगर मुझे दोनों रूम के अंदर प्लास्टर करना है, दोनों खिड़की दरवाजे को माइनस करने के बाद, तो टोटल कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा आएगा 82,200 रुपीज, मींस द ऑप्शन डी। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके थैंक यू।